भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। ललन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है? ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशिष्ट दो कारणों से हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात किए हैं। महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे, वो सिर्फ इसलिए बनाया है उन्होंने महागठबंधन कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद, उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई पूछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार, एकरो सेकरा से तो ठीके रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे हैं सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव आंख हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं, ये कहते नीतीश कुमार इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला, गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साथ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं।